Welcome back. Now, Congress's nationwide stir today against the Agnipath scheme. Earlier, the party had observed a peaceful satyagraha at Jantar Mantar on the 20th of June. Now, today, Congress plans to carry out its protests in assembly constituencies across the country. The party says the scheme was bulldozed through, in fact, without any discussion. Ila joining us for more details. Ila, Congress, of course, has been very vocally against the Agnipath scheme. If you can take us through what the plan is for the protests today. Well, absolutely. From past few days, we have seen that Congress workers and leaders took to roads and they protested against the Agnipath scheme as well as Rahul Gandhi's summoned by ED. But today, Delhi Pradesh Congress is here to protest against the Agnipath scheme. And this is the Vinod Nagar area of Delhi. And Delhi Pradesh Congress is gathering here. As you can see, they are setting up the stage here. I would request to my camera person to show the stage, which is getting removed by the Delhi police. As Delhi police is saying that they don't have any sufficient permissions to stage a protest here. They can do it on the footpath, but they can't stage protest here. So I have joined by some of the Congress workers here. Let's hear from them. What is their agenda? What they are planning to do? Kya naam hai aapka? Mera naam Rajbir Singh. Yahan se main block adhyaksh hu Patpadgan se Congress committee ka. Kya hata rahi hai police? Madam, ye police wale keh rahe hain ki hamein jo na upar se order hai ki hum isko jo hai yahan par aapka stage nahi lagne denge. Aapne agar dharna pradarshan karna hai to khali footpath pe kijiye. ये पुलिस की और केंद्र सरकार की तानाशाही है और ये कांग्रेस को और आम आदमी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, पहले सवाल सुनिए. क्योंकि सरकार ने तो कई बार आश्वासन दे दिया है और अग्निवीरों को भी कई आश्वासन दिए हैं और कई चीज़ों में बदलाव भी किए हैं, तो अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैडम, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक सांसद 5 साल के लिए चुना जाता है, एक प्रधान गांव का वो भी 5 साल के लिए चुना जाता है और एक विधायक 5 साल के चुना जाता है. उन्हों की पेंशन होती है 5 साल के बाद में. हमारे जवान 4 साल की नौकरी ये दे रहे हैं, उसके बाद कोई पेंशन नहीं है. घर पे बैठिए या चोरी किए, डकैती डालें, कुछ भी करें, कोई भी इन लोगों को उसके बाद में उन लोगों से कोई मतलब नहीं है. हमारे जवान जो नौजवान हैं 4 साल की नौकरी करने के बाद में बेकार हैं, इसलिए हम उन नौजवानों के साथ हैं और नौजवानों के साथ में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नौजवानों को सही हक मिले. हमारी सेना के अंदर जो है 4 साल में वो नौजवान क्या करेंगे, 4 साल के बाद क्या करना है उनको. हम लोगों का अपना ये है कि हमारी पार्टी का और हमारा अपना मत है कि हम जो है इन नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं. जो पहले हमारी नीति थी फौज के अंदर, वही आज भी होनी चाहिए. आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ मंडावली से. अच्छा, ये बताइए कि कई बार आप लोगों ने बिना परमिशन के रोड पर आप आ गए, उसके बाद आप लोगों ने टायर जला दिए और कई जगह पे हमने देखा कि पुलिस के साथ झड़प हुई, और आप इसे अपना सत्याग्रह कह रहे हैं? सत्याग्रह जो झड़प हुई, जो पहले हुआ, वो आपको पता है ईडी के नोटिस पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी को ये परेशान कर रहे थे, उसके खिलाफ हमारे लोग AICC जाना चाहते थे, वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया. पुलिस ने बीच में उनको रोक रोक के थानों में भरा गया, जेल उनको भेजा गया. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो हमारी तरफ से कोई उसमें टायर जलाने की या वो मंशा नहीं है, लेकिन ये ऐसा पुलिस के द्वारा आपको पता है जबरन किया गया. ये सत्याग्रह उसके लिए नहीं है, ये सत्याग्रह हम कर रहे हैं जवानों के लिए. जिस तरीके से आपको पता है पूरे देश के युवा, पूरे देश के जवान जो भर्ती के लिए तैयार थे और तैयारियां करते हैं, पूरे देश में लोग जो जुनून से देश के में जाना चाहते हैं अपनी सेवा देने के लिए, उनके खिलाफ जिस तरीके से ये अग्निपथ स्कीम लेके आज भी आपके पास परमिशन नहीं है? आज भी पुलिस ने परमिशन तो पुलिस को देने ही नहीं देंगे. मोदी और अमित शाह पुलिस को परमिशन नहीं देने देंगे. पुलिस उनके हाथ में है, वो जो चाहेंगे वो होगा. लोकतंत्र की हत्या हो रही है. लोकतंत्र इसे ही कहते हैं क्या? क्या हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण धरना देने का, या साइड में बैठ के हम शांतिपूर्ण कोई हल्ला नहीं? आप ये आज कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक ही होगा? ये शांतिपूर्वक ही रखा गया था. सत्याग्रह है, इसमें हम मौन यहाँ बैठना चाहते थे, लोगों की आवाज बनना चाहते थे, लेकिन ये देश की सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है. ये आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ देखिए. परमिशन ये देंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, तो कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसे हम लोकतंत्र की आवाज उठाएंगे?
Now, the Delhi Congress committee is saying that the Delhi police is removing them, and this is nothing other than the BJP-led government trying to oppress their voices. As you can see, that this stage is getting removed by Delhi police, and Delhi police says that they don't have sufficient permission. Earlier also, we have seen from past 1 week that drama unfolded in national capital Delhi, where Congress workers were detained for protesting. Although these workers were saying that it's their satyagraha, but we have seen burnt tires and the workers versus police tuffle. And now these workers are saying that they just want to sit here silently in solidarity with Agnipath scheme. Back to you. All right, thank you very much for getting us those details.